Hello everyone, welcome to GitHub Online. Today we are going to discuss about Mohr circle. Okay, Mohr circle हम लोग कैसे draw करते हैं और Mohr circle होता क्या है, ठीक है, और इसका क्या क्या use है, ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. और सबसे ज्यादा important कि इसका जो different different case है, ठीक है, वो कैसे draw करते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही important है, ठीक है. तो इस वीडियो में आप लोग सीख जाइएगा कि अगर आप के मोहर सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो यूएससी का हो, गेट का हो, ठीक है, या फिर कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो या एसएससी जेई हो, ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आई गारंटी कि आपको ये वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मोहर सर्कल क्या होता है, ठीक है, और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है. तो मोहर सर्कल क्या है, एक ग्राफिकल मेथड है, इट इज अ ग्राफिकल मेथड. ओके, इट इज ए ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ओके, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ओके, अगर कोई भी मटेरियल है, ठीक है, या फिर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी पॉइंट जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस मींस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस को हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग मोहर सर्कल का यूज करते हैं. और ये क्या है हमारे पास, ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो कोई भी एक मटेरियल का, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं. देखिए, एक कोई बड़ा सा मटेरियल है, उस मटेरियल का एक स्मॉल सा एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया यहाँ पे, बड़ा सपाट करके मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है. अगर इस मटेरियल पे हम लोग बात करें, कितने टाइप का इन जनरल स्ट्रेसेस लग सकता है, एक इस डायरेक्शन, अगर ये इसको मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिग्मा एक्स नाम दे, इधर भी लगेगा सिग्मा एक्स, राइट. ये हो गया हमारे पास सिग्मा एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ना अगर हम लोग इस प्लेन में बात करें तो हमारे पास लग गया बेटा सिग्मा वाई, राइट, और इस टेंजेंशियल यहां पे हमारे पास लग जाएगा क्या, सारे प्लेन्स में शियर स्ट्रेस, जिसको हम टाउ एक्स वाई के नाम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है. तो इतने सारे स्ट्रेसेस हमारे पास एक्ट करेगा कोई भी एक एलिमेंट पर, ठीक है. ये सारे स्ट्रेसेस को हम लोगों को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस. तो उससे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है. तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है कि अगर इस एलिमेंट में हम लोग बात करें कोई एक प्लेन पर, ठीक है, अगर हम यहाँ से एक प्लेन अगर थीटा लेते हैं, ठीक है, राइट, इस थीटा प्लेन पे, इस प्लेन पे कोई एक शियर स्ट्रेस टाउ एक्ट करेगा, ठीक है, टाउ थीटा, और एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा सिग्मा थीटा, ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन होगा, एक तो अभी मैं दिखा रहा हूँ थीटा, ये मे भी थोड़ा नीचे हो सकता है, थोड़ा ऊपर हो सकता है, ठीक है. तो थीटा का वैल्यू चेंजेस करेगा, ठीक है. तो इस थीटा का कौन से थीटा के वैल्यू पे हमारा क्या है, ये जो शियर स्ट्रेस है इस प्लेन का, वो शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, और इस शियर स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा ये नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा थीटा आएगा, मीन्स जिस प्लेन पे हमारा ये शियर स्ट्रेस जीरो होगा, इस शियर स्ट्रेस के जीरो वाले प्लेन पे कॉरेस्पॉन्डिंग ये नॉर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है. तो देखिए हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है. प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग को डिजाइन में यूज होता है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस ही क्यों होता है. तो देखिए इस मटेरियल में अगर मैं इस प्लेन पे बात करूं कि ये शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा मीन्स जो भी एक्सटर्नल लोड के कारण जो भी हमारा स्ट्रेस आएगा मटेरियल पे, वो मटेरियल रेसिस्ट नहीं कर पाएगा. क्यों, क्योंकि इसमें शियर स्ट्रेस है ही नहीं, दो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी बॉन्ड है ही नहीं, तो जैसे ही लोड लगेगा वो क्या फेल कर जाएगा, ठीक है. तो उस फेलियर प्लेन पे हमारा ये नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कोई मटेरियल को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है.
जो भी लोड है। तो हम लोग इस जिस प्लेन पे ये हमारा शेयर स्ट्रेस जीरो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन पे जो भी हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आता है उस नॉर्मल स्ट्रेस को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, राइट? क्लियर है? प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा? हम लोग को इतने सारे स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, देखिए मैं यहाँ पे डिटेल कॉन्सेप्ट में नहीं, शॉर्टकट वे में बताऊंगा कि इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है, टाउ एक्स वाई, ठीक है, इसको वर्टिकल एक्सिस में, राइट, एंड सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई जो है नॉर्मल स्ट्रेस, इसको मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिप्रेजेंट करूंगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, एक्चुअली जो मोर सर्कल नाम पड़ा है, ठीक है, ये क्या है, एक जर्मन इंजीनियर थे, ठीक है, ऑटो मोहर, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया था कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया मोर सर्कल। और उन्हें ने बताया कि जो टाउ शियर स्ट्रेस है उसको वर्टिकल एक्सिस में और नॉर्मल स्ट्रेस है इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफ के टाइप से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा एक्सिस हो गया, ये हमारे पास टाउ एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एज्यूम्शन लेते हैं कि जो हमारे पास सिग्मा एक्स है वो सिग्मा वाई से बड़ा है। ठीक है, मीन्स सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, ये एक्चुअली है नहीं। ठीक है, इसको मैं जस्ट इवैल्यूएशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन के लिए अज्यूम कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसमें सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अगर बड़ा है, अगर एक्स एक्सिस में मैं सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो सिग्मा एक्स को मान लिया, अगर ये हमारे पास सेंटर है जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, सिग्मा एक्स। ठीक है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सिग्मा एक्स। ठीक है, और सिग्मा वाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कुछ आ गया हमारे पास, ये सिग्मा वाई। क्लियर, अब देखिए सिग्मा एक्स कौन से प्लेन में लग रहा है हमारा, ये क्या है, वर्टिकल प्लेन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिग्मा एक्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, बट ये एक्ट किस में कर रहा है, इस वर्टिकल प्लेन पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस वर्टिकल प्लेन पे और एक हमारे पास शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है जो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव मैं यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में जहां पे सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है वहां पे हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो नेगेटिव एक्ट कर रहा है। सपोज यहाँ से हमारे पास हो जाएगा क्या, माइनस टाउ एक्स वाई। क्लियर, और सिमिलरली जो सिग्मा वाई एक्ट कर रहा है वो किस में एक्ट कर रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिग्मा वाई क्या है, वर्टिकल एक्ट कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल एक्ट कर रहा है, बट किस में एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक्ट कर रहा है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां से एक हमारे पास हो गया क्या, ये पॉजिटिव टाउ एक्स वाई। क्लियर, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, पहले क्या करना है, यहां से सिग्मा एक्स रिप्रेजेंट किया, फिर सिग्मा वाई, देन सिग्मा एक्स के कोरिस्पोंडिंग जो हमारा नेगेटिव शियर स्ट्रेस वो, एंड सिग्मा वाई के कोरिस्पोंडिंग जो हमारा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस था, ये रिप्रेजेंट हो गया। ये रिप्रेजेंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैच कर देंगे, सो दैट क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो अगर इसको इसको मैच करेंगे तो हमारे पास इसके और इसके बीच का क्या है, सेंटर मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहां से इसको मैच करवा देता हूं, मैच हो गया, ये हमारे पास मिल गया इसका क्या, सेंटर। क्लियर, क्लियर है? अब देखिए ये सेंटर मिल गया, इतना डायमीटर का, ठीक है, इतना डायमीटर का हमको ये सेंटर के एज्यूम पे, मींस इसको सेंटर एज्यूम करके क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। मींस इसका ये हमारे पास डायमीटर हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, ये या ये कोई भी एक रेडियस हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से, अगर आप कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं इसको एज ए कंपास लेके, अगर हम यहां से इसे सर्कल ड्रॉ कर दूं पूरा, तो हमारे पास एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, यहां से कुछ इस टाइप से,
कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये जो सर्कल रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, मोहर सर्कल। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मोहर सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं, क्लियर। अब हम लोग को यहाँ पे जानना है कि इसमें से हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेशन करेंगे और कौन सा होता है हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो मैं क्या बताया था कि जिस प्लेन पे ये जो हमारा टाउ थीटा है, ये टाउ थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, उस प्लेन पे हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है उस स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। तो यहां से देखिए, वर्टिकल प्लेन पे मैं इस टाउ एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो ये टाउ एक्स वाई कहां पे जीरो हो रहा है, अगर इस सर्कल में हम लोग देखें तो एक तो यहां पे जीरो हो रहा है और एक यहां पे जीरो हो रहा है। तो यहां से, ठीक है, हम यहां से शो कर रहा हूं, ये जो वैल्यू होगा एक प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, और यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा एक वैल्यू होगा वो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, जिसको मैं सिग्मा वन से रिप्रेजेंट करा, इसको सिग्मा टू से। तो देखिए, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, सिग्मा वन क्या है हमारे पास, सिग्मा वन है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड सिग्मा टू हमारे पास है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, क्लियर है। तब हम लोग को कैलकुलेशन करना है सिग्मा वन एंड सिग्मा टू विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, ठीक है। अब इस फिगर के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू फाइंड करना है। तो देखिए, सिग्मा वन सिग्मा टू कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम लोग को ये डिस्टेंस पता चले, ठीक है, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, इस डिस्टेंस में ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस रेडियस के सर्कल को एक बार माइनस कर देंगे तो सिग्मा वन टू मिलेगा, और यहां से एक बार इस रेडियस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या, सिग्मा वन मिल जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग को मेन काम है यहाँ पे ये ओ सी फाइंड करना। ओ सी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सिग्मा वाई है, क्लियर, और टोटल यहां से यहां तक सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिकली ये मिल जाएगा। मीन्स अगर मैं सिग्मा वन एंड सिग्मा टू कैलकुलेशन करने से, तो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई आगे चल जाएगा, डिवाइड बाई टू करेंगे हमारे पास ओसी मिल जाएगा। मीन्स सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू, ये हमारे पास ओसी मिल गया, ठीक है। अब ओसी में हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना है, इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन, अगर मैं इस ट्राइंगल का बात करूं, इस ट्राइंगल का बात करो या फिर इस ट्राइंगल का, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये भी क्या है, रेडियस है, ये जितना वैल्यू होगा ये सेम ये भी वही होगा, ये वाला अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सेम ये हो जाएगा। ये वाला कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से फिगर से आप समझिए, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो पाइथागोरस का थ्योरम होता है वो क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इस हाइपोटेन्यूस को अगर हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे क्या होगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, राइट, रूट अंडर। और देखिए ये कैसे मिलेगा, टोटल यहां से यहां तक हमारे पास कितना क्या है, सिग्मा एक्स है, इस सिग्मा एक्स में इस सिग्मा वाई को घटा देंगे हमारे पास ये मिलेगा, इसको डिवाइड बाय टू करेंगे हमारे पास यहां से यहां तक का वैल्यू मिलेगा। मींस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू इसका स्क्वायर, मींस ये मिल गया। अब देखिए ये कितना है हमारे पास, सिग्मा सॉरी टाउ एक्स वाई है, ठीक है, टाउ एक्स वाई मींस इसका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया क्या, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। यहां पे अगर मैं इस रेडियस को, ठीक है, ऐड कर दूं इस वैल्यू में तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिग्मा वन, और इस रेडियस को अगर माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, सिग्मा टू। तो चलिए यहां पे लिख देता हूं प्लस माइनस, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर,
राइट प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, आ गया प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, मींस अगर यहाँ पे मैं प्लस करूंगा तो ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा और माइनस करूंगा तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। आप लोग को पता चल गया कि ये मोर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लियर है, ये सब चीज बेसिक था। ठीक है, अब लोग इसको शॉर्टकट वे में देखेंगे कि इसका जितने भी केसेस है, ठीक है, कि किसी में जब सीयर स्ट्रेस नहीं होगा, सिर्फ यूनिएक्सियल स्ट्रेस रहेगा, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करेगा, तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट केस है यूनिएक्सियल सिस्टम। ठीक है, सेम अगर कोई एलिमेंट को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सेम एक एलिमेंट को कंसिडर करता हूं और इस एलिमेंट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिएक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, राइट, इसके अलावा कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा है। ठीक है, सिर्फ यूनिएक्सियल, फर्स्ट केस में लेता हूं यूनिएक्सियल में कॉम्प्रेसिव सॉरी टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी हमारे पास टेंशन मेंबर है जिसमें क्या सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा है, तो अगर इस केस में हम लोग इसका मोर सर्कल ड्रॉ करें तो क्या होगा, राइट, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, वाई एक्सिस में आपको सीयर स्ट्रेस लेना है और एक्स एक्सिस में आपको नॉर्मल स्ट्रेस लेना है। ठीक है, मैं अगर यहां से बात करूं नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स, यहां से कुछ सिग्मा एक्स आ जाएगा मान, ठीक है, सिग्मा वाई क्या है जीरो है, यहां से सीयर स्ट्रेस क्या है जीरो है, यहां से सीयर स्ट्रेस क्या है जीरो है। ठीक है, अब जब जीरो है तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वो इसका क्या रहेगा सेंटर, और इतना रेडियस में हम लोग को क्या करना है इसका सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फोर यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस अगर एक्ट करेगा तो उसका मोर सर्कल ऐसे होगा। ठीक है, और इस केस में हमारे पास इसका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा सिग्मा वन, तो क्या हो जाएगा इस मोर सर्कल का इंड मींस यहाँ पे सीयर स्ट्रेस जीरो होता है मींस यहाँ पे एग्जैक्टली सिग्मा एक्स के बराबर हो जाएगा, और सिग्मा टू का बात करें मींस इस पॉइंट पे सिग्मा टू क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। और जो पिछले हमारा कॉन्सेप्ट था मोर सर्कल में मैं एक चीज भूल गया था बताने, वो है कि अगर मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस का बात करें, ठीक है, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस कितना होगा, तो अगर इस सर्कल में, ठीक है, बात करें इस सर्कल में अगर बात करें वो कितना हो, यहां से इधर या फिर इधर, ठीक है, यहां से रिप्रेजेंट करें ये होगा, ये कितना होता है जस्ट इक्वल टू द इट्स रेडियस, मीन्स जो मोर सर्कल का रेडियस होगा उस रेडियस के बराबर ही होगा हमारे पास टाउ एक्स वाई मैक्स सीयर स्ट्रेस मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस। इसमें अगर रेडियस का बात करें तो सिग्मा एक्स बाय टू हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा पिछला केस था, ठीक है, उस पिछला केस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना था रेडियस मोर सर्कल का, वो था उस केस में हमारे पास टाउ एक्स वाई मैक्स हो जाता कितना रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था सेम, ये हमारे पास टाउ एक्स वाई। ठीक है, और ये कितना होता है, इसका एक शॉर्टकट है कि ये ऑलवेज इक्वल टू आता है प्रिंसिपल स्ट्रेस का सिग्मा वन, जो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू के बराबर आएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई नहीं दिया हुआ है मीन्स, और डायरेक्टली आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया गया है और पूछेगा कि कितना आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, तो दोनों का माइनस कर देंगे दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस को और डिवाइड बाय टू मीन सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्लियर है, ये हमारे पास था फर्स्ट केस यूनिएक्सियल में जब टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट करेगा। ना सेकेंड केस बात करते हैं अगर हमारे पास कोई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एक्ट, सिग्मा एक्स इधर से भी कॉम्प्रेसिव है इधर से भी कॉम्प्रेसिव। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इधर वर्टिकल एक्सिस में हमारा शियर स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में
नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा, राइट। यहां से देखिए ये क्या है, कंप्रेसिव मींस नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्सेस में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, अगर ये हमारे पास हो गया माइनस सिग्मा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सिग्मा वाई हमारे पास जीरो है और जो भी शियर स्ट्रेस था वो भी क्या है, जीरो है। इन दोनों के बीच को डिवाइड करेंगे, इसका सेंटर मिल जाएगा और जब सेंटर मिल जाएगा इतना रेडियस का हम लोग को क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या, मोर सर्कल फॉर यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट। अगर इस केस में भी हम लोग बात करें कि जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा वन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली माइनस सिग्मा एक्स, एंड सिग्मा टू हो जाएगा हमारे पास जीरो, एंड टाउ मैक्स का बात करें तो हो जाएगा कितना, जस्ट इसका रेडियस के बराबर, तो रेडियस कितना है, माइनस सिग्मा एक्स बाय टू, ठीक है। ये क्लियर है, ये हमारे पास था फर्स्ट केस, ठीक है, जब यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम रहेगा तो, ठीक है। नाउ हम लोग सेकेंड केस देखते हैं कि प्योर शियर का केस, मींस ऐसा कंडीशन जिसमें कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं, वो सिर्फ शियर के केस में रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ज्यादा कुछ देखिए, ये हमारे पास नेक्स्ट प्योर शियर का केस, ठीक है। प्योर शियर कब होता है, शाफ्ट विद टॉर्शन, शाफ्ट में जब टॉर्शन लगता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो मटेरियल होता है वो प्योर शियर के केस में आता है। जस्ट लाइक सेम मैं एक मटेरियल ले सोक कर रहा हूं यहां पर, इस केस में क्या है, सिर्फ शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, यहां पे टाउ एक्स वाई, यहां पे टाउ एक्स वाई, राइट। यहां पे क्या है, कोई भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस और वर्टिकल स्ट्रेस मीन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई नहीं लग रहा, मीन सिग्मा एक्स भी जीरो है एंड सिग्मा वाई भी जीरो है। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट केस। ये फर्स्ट केस किसका है, साफ विद टॉर्शन, राइट। एक और केस है जब हमारे पास कोई भी मटेरियल प्योर शियर के केस में आ सकता है, वो कैसे, इस केस में भी हमारा जो ये मटेरियल है वो भी प्योर शियर के केस में आएगा, वो कैसे देखिए। यहां से क्या करेगा, ये सिग्मा वाई जो है इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा और ये जो सिग्मा एक्स है ये इसको क्या, एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा, ठीक है। जब ऐसा करने का कोशिश करेगा तो हमारे पास जो ये मटेरियल है कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे जो एक शियर स्ट्रेस था इसको ऐसे एक्ट करेगा और यहाँ पे ऐसे एक्ट करेगा, और ये खींचने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक टाव एक्स वाई ऐसे एक्ट करें और यहाँ पे एक ऐसे टाव एक्स वाई, ठीक है। ऐसा केस में भी हमारे पास क्या आता है, प्योर शियर का केस आता है, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग मोर सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है जो मैं बताया था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस प्लॉट करना है और वर्टिकल एक्सिस पे टाव एक्स। तो यहां से देखिए अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे क्या है, सिग्मा एक्स जीरो, सिग्मा वाई भी क्या है, जीरो है, क्लियर है। अब हमारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जीरो है, बट शियर स्ट्रेस जो है एक यहाँ पे हमारे पास टाउ एक्स वाई आ रहा है और एक यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टाउ एक्स वाई आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आ गए, ये दोनों का आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बीच में डिवाइड करेंगे, बीच में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सेंटर क्या है, अब इतना रेडियस का हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है, मींस ऐसे करके, राइट। ये जो सर्कल होगा ये हमारा हो जाएगा प्योर शियर का कंडीशन, राइट।
इस केस में अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो कितना आएगा, सिग्मा वन यहाँ से यहाँ, ये किसके बराबर है, जस्ट इसका रेडियस, और इसका रेडियस कितना है, टाउ एक्स वाई के बराबर, यहाँ पे भी आ जाएगा टाउ एक्स वाई के बराबर। तो यहाँ पे सिग्मा वन या सिग्मा टू दोनों बराबर हो जाएगा, नथिंग बट अगर वैल्यू का बात करें तो इक्वल टू आ जाएगा टाउ एक्स वाई का, और टाउ मैक्स का बात करें मींस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में कितना आ रहा है हमारे पास, ये टाउ एक्स वाई के बराबर, ये हमारे पास हो गया क्या प्योर शियर का कंडीशन, राइट। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, चाहे वो ईएससी का हो, ठीक है, या फिर गेट का हो, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या तो आपको ये वैल्यू दे देगा, या तो ये सॉफ्टवेयर टॉर्शन दे देगा, या फिर प्योर शियर, इन तीनों में से कोई भी टर्म्स आपको बोल देगा, और बोलेगा नॉन सर्कल पूछ देगा, या फिर नॉन सर्कल दे देगा तो प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछेगा, ऐसे मतलब को आपको इंटर रिलेट करके पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे ड्रॉ करते हैं मोर सर्कल फॉर प्योर शियर, ठीक है, क्लियर। ना नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका प्रॉपर डेफिनेशन डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूं, सपोज दैट मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, राइट। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट में जो भी स्ट्रेसेस एक्ट करेगा, ठीक है, सारे नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि चार जो मतलब जितने भी डायरेक्शन है, ठीक है, ऑल द डायरेक्शन में सेम एक्ट करेगा, या तो वो कंप्रेसिव होगा या फिर टेंसाइल होगा, जस्ट लाइक। अगर मैं टेंसाइल का बात करूं तो ये हमारे पास सिग्मा वाई भी टेंसाइल एक्ट करेगा दोनों प्लेन में, राइट। सिग्मा एक्स भी होगा वो भी टेंसाइल होगा ऐसे, राइट। ये हमारे पास हो गया पहला। तो ये जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, थिन स्फीयर का होता है, जस्ट लाइक आप लोगों ने बैलून देखा होगा, पानी भरा हुआ बैलून, ठीक है। तो पानी भरा हुआ बैलून भी क्या होता है, कुछ अंदर से टेंसाइल स्ट्रेसेस के जैसे एक्ट करता है, जैसे आपको समझो, सपोज दैट ये हमारे पास एक स्फीयर है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से कोई एक आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेसेस एक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारे पास सेम होता है टेंसाइल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना। अब एक हमारे पास सेकेंड कंडीशन आता है, वो देखिए क्या होता है, कंप्रेसिव इन नेचर, सिग्मा एक्स कंप्रेसिव होगा, सिग्मा वाई भी कंप्रेसिव हो गया, राइट। तो ये जो कंडीशन होता है, ठीक है, इसका क्या कंडीशन आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक एक कॉन्क्रीट क्यूब को अगर आप सबमर्ज वाटर में सबमर्ज कर दिए, या फिर अंडर वाटर में छोड़ दिए हैं, उसमें भी क्या, सब जो वाटर जो उस क्यूब के अंदर जो स्ट्रेस लगाएगा वो कैसे लगाएगा, कॉम्प्रेसिव इन नेचर लगाएगा, ठीक है। सारे डायरेक्शन, चाहे इस डायरेक्शन हो, चाहे इस डायरेक्शन हो, चाहे इस डायरेक्शन हो, चाहे इस डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में कॉम्प्रेसिव इन नेचर लगाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंडीशन। तो इन दोनों के कंडीशन को हम लोग देखते हुए देखते हैं कि कैसा हम लोग का इसका नॉर्थ सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, राइट। यहां से देखिए क्या है, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स हमारे पास टेंसाइल है, सपोज दैट यहां से ये हमारे पास क्या है, सिग्मा एक्स है, ठीक है। अब क्या है, ये हाइड्रोस्टैटिक है, सारे डायरेक्शन में तो सेम लगेगा, मैं यहाँ पे अलग मैं इसका नाम सिग्मा वाई दे दिया हूँ, यहाँ पे सिग्मा एक्स दे दिया, बट सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई का वैल्यू जो होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि सारे डायरेक्शन में इक्वल फोर्स स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा, तो सिग्मा वाई भी जो होगा यहाँ पे ही होगा, राइट। दोनों आ गया, यहाँ पे क्या है, कोई भी शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मोर सर्कल होगा, मोर सर्कल ये होगा हमारे पास एक पॉइंट सर्कल, ठीक है, पॉइंट सर्कल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट।
ये हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट सर्कल होगा ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इस केस में अगर हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन एंड सिग्मा टू का बात करें तो ये किसके बराबर होगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई के बराबर होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। और टाउ मैक्स का बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्टिकल में कोई भी डिस्टेंस नहीं मेजर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाउ मैक्स जीरो एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई किसके बराबर होगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को याद ये रखना है कि जब भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का कंडीशन आता है उस केस में हमारा जो मोल सर्कल बनता है वो हमारे पास बनता है पॉइंट सर्कल। ये हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। और जब टेंसाइल नेचर में होगा तो वो क्या होगा, इस केस में इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनता है। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये याद रखना। नाउ सेकंड, अगर इस केस में बात करें, ठीक है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट बन जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इधर सिग्मा एक्सिस इधर टाउ एक्सिस। ये क्या है, सिग्मा एक्स क्या है, कंप्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव एक्स में आ जाएगा यहाँ पे। अब सिग्मा एक्स यहाँ पे आ गया, वैल्यू तो सेम है क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, सारे डायरेक्शन में सेम एक्ट करेगा, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आ गया और सिग्मा वाई भी वहां पे आ गया। तो यहाँ पे भी क्या है, इसका जो मोर सर्कल है, ठीक है, मोर सर्कल वो कहां पे एक्ट करेगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये पॉइंट सर्कल ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। राइट, यहां पे भी आप लोग को इंपॉर्टेंट ये रखना है कि ये जो सर्कल होगा ये हमारे पास पॉइंट सर्कल होगा और नेगेटिव एक्सिस पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें प्रिंसिपल स्ट्रेस का बात करें, ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो सिग्मा वन एंड सिग्मा टू होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई के इक्वल होगा। एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का बात करें ये क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आ रहा है। क्लियर, ये हमारे पास हो गया क्या, मोर सर्कल फॉर द केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर है, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हमारे पास आता है लास्ट केस, वो है बीम का केस। ठीक है, अगर कोई भी बीम हो या फिर गर्डर हो, ठीक है, तो उस केस में हमारा मोर सर्कल कैसे बनता है, कौन कौन सा स्ट्रेसेस एक्ट करता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास एक बीम है, ठीक है, सपोज दैट ये राइट, ये हमारे पास बीम है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट रहेगा, राइट, ये बीम है। इस बीम में अगर मैं बात करूं कि ये अगर वेटलेस है, ठीक है, तो वेटलेस है तो कोई भी स्ट्रेसेस एक्ट करेगा नहीं। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रेसेस एक्ट नहीं करेगा तो इसमें स्ट्रेसेस कब एक्ट करेगा, जब हम लोग इसमें कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे। सपोज दैट इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर दिया हूं, ठीक है, अप्लाई कर दिए हैं, ये बीम क्या है, कुछ बेंड होगा ये डायरेक्शन कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये जो हमारा नीचे का पार्ट होगा ये क्या है, टेंसाइल इन नेचर होगा, और ये जो पार्ट होगा ये क्या है, ये हमारा कॉम्प्रेसिव इन नेचर होगा। ठीक है, तो अगर इस एलिमेंट को या इस एलिमेंट को कंसिडर करें, ठीक है, सपोज इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस नीचे वाला एलिमेंट को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास इसमें कौन कौन सा स्ट्रेसेस एक्ट करेगा, एक तो सिग्मा एक्स एक्ट करेगा टेंसाइल, राइट, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ शियर स्ट्रेस आएगा। बीम में क्या है, शियर फोर्स आता है, जब शियर फोर्स आएगा तो शियर स्ट्रेस भी आएगा, तो शियर स्ट्रेस यहाँ पे हमारा आएगा कुछ डायरेक्शन में, टाउ एक्स वाई, अज्यूम दैट यहाँ पे आ गया हमारे पास टाउ एक्स वाई। ठीक है, इस केस के लिए भी हम लोग क्या मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, सिमिलरली अगर इस केस का बात करें, अगर कॉम्प्रेसिव का ये हमारे पास था टेंसाइल जोन का, राइट, अब हम लोग इस जोन का कॉम्प्रेसिव जोन का अगर बात करें तो सेम होगा
सेम हो गया। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव इन नेचर हो जाएगा, सिग्मा एक्स कॉम्प्रेसिव। और जो प्रिंसिपल सॉरी शियर स्ट्रेस होगा वो सेम एक्ट करेगा डायरेक्शन में टाउ एक्स। इन दोनों के केस में हम लोग को क्या करना है, मोर सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए इस केस में सेम बेसिक कॉन्सेप्ट में फिर से फॉलो कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नॉर्मल स्ट्रेस एंड वर्टिकल एक्सिस में शियर स्ट्रेस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना एक्ट कर रहा है हमारे पास सिग्मा, यहां से कुछ मान लीजिए यहां पे आया हमारे पास सिग्मा एक्स, ठीक है। और सिग्मा एक्स के साथ में हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई। और सिग्मा वाई कितना है हमारे पास जीरो यहां पे, और इसके साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव शियर स्ट्रेस टाउ एक्स। अब इन दोनों को हम लोग क्या करना है, मैच करना है। मैच क्यों करते हैं कि हम लोग को इसका सेंटर मिल जाए। अब जब सेंटर मिल जाएगा तो हम लोग अगर कंपास लगा के यहां से ड्रॉ कर दें सर्कल कुछ इस टाइप से, तो हमारे पास मिल जाएगा सर्कल कुछ इस टाइप से। आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, यहां पे नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, सर्कल ड्रॉ हो गया राइट फॉर द केस ऑफ टेंसाइल जोन, क्लियर है। यहां से अगर हम लोग इसमें बात करें कि कैलकुलेशन करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन, तो यहां से यहां तक का वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये वाला कैलकुलेशन करने के लिए हमको पहले ये और इसमें से ये रेडियस, तो हमारे पास ये हो गया क्या, सबसे फर्स्ट वाला कंडीशन, ठीक है। मींस सिग्मा वन सॉरी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस माइनस रूट अंडर, इसको नीचे में रिप्रेजेंट करता हूं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम कंडीशन तो हो गया, बट यहां पे समझना ही है कि इस केस में ये सिग्मा वाई जीरो है। जब ये सिग्मा वाई का जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आ जाएगा, वो क्या सिग्मा एक्स बाय टू प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स बाय टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये वाला भी जो टर्म होगा यही होगा हमारे पास टाउ मैक्स, नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल राइट, क्लियर है। सिमिलरली ये हमारे पास था क्या टेंसाइल जोन का केस में, ठीक है। अगर कंप्रेसिव जोन का हम लोग बात करें सिमिलरली ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग सेल्फ से ड्रॉ कीजिएगा कुछ यहां से ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से है। ये क्या है, ये जो हमारा ओरिजिन है ओरिजिन से हल्का सा लेफ्ट में आया था इन द केस ऑफ टेंसाइल, और कंप्रेसिव जोन में अगर बात करें तो ओरिजिन से हल्का सा राइट साइड में जाएगा और ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। ये हमारे पास है मोर सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास सारे केसेस इंपॉर्टेंट केसेस कहाँ पे इंपॉर्टेंट है सारा चीज मैं आपको बताया, और इसके अलावा आप लोग को कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चंस बनाइए प्रीवियस ईयर उठाइए, ठीक है, आप लोग बना के देखिए आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।